Hey guys, I'm Medusa. Welcome back to my new video. So today I'm going to play Pokemon Unite. Let's get started. तो आज मैं खेलने वाली हूँ पहली बार के लिए एक नया Pokemon Serena. Serena के साथ यह है मेरा पहली मैच. तो चलिए देखते हैं ये कितना पावरफुल Pokemon है. तो Serena है एक ऑलराउंडर और ये तीन स्टेज में इवॉल्व होता है. और इस पोकेमॉन के बारे में मैंने ये भी सुना है कि इसका जो पावर्स है ना वो बहुत सारे पोकेमॉन की पावर्स को मिक्स एंड मैच करके बनाया गया है. तो चलिए ये भी देखते हैं ये रियल है या मिथ है. ये एकदम छोटे वाले पोकेमॉन का जो पहला वाला पावर रेजर लीफ है वो डिसीडीवाई के पावर के जैसा है. ये पोकेमॉन गेम की शुरुआत में तो कुछ खास पावरफुल लग नहीं रहा है, तो लेकिन देखते हैं लेट गेम में ये पावरफुल होता है या नहीं. ये है तो ऑलराउंडर तो लेट गेम में ही पावरफुल होना चाहिए. देखते हैं क्या होता है. तो चलिए अब पोकेमॉन की पावर्स को छोड़ के थोड़ा गेम प्ले पे फोकस करते हैं. तो यहाँ पे हमारा ओपोनेंट टीम का जो बंदा है तो वो लोग बहुत ही अटैकिंग टाइप का है. तो यहाँ पे फिर से फाइट शुरू हो गया है और ये कैनोफेन मेरे हाथ में मरने ही वाला था, लेकिन उसने दो बेरीज ही खा लेता है हमारा. तो यहाँ पे वो तो बच जाता है, लेकिन उसका दोस्त जो है जरा वरा वो फंस जाता है यहाँ पे और वो मेरे हाथों मारा जाता है. और अब इस कैलनफेन को तो मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ. ये हमारी बेरीज खा ली थी ना, अब ये भी मेरे हाथों मर गया. और इसका जो एक अकेला दोस्त जिंदा था तो वो भी अपनी जान बचाकर अपनी गोल में भाग गया. और इसी के साथ मेरा पोकेमॉन हो गया लेवल 5 का और उसका फर्स्ट पावर जो है वो ओपन हो चुका है. तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि ये मेरा Serena के साथ फर्स्ट मैच है, तो इसलिए मैंने फर्स्ट पावर चूज़ किया स्टॉर्म को. और जो मैं दूसरी गेम खेलूंगी Serena के साथ उस पर मैं सेकेंड वाली पावर चूज़ करूँगा. और उसके बाद जो वाली पावर्स मुझे अच्छी लगेगी, जिस पावर्स की डैमेज ज़्यादा होगी, वही पावर मैं बाद में बाकी सब गेम में यूज़ करने वाली हूँ. और यहाँ पे ज़रावरा फिर से 1 HP में भाग गया और उसका दोस्त जो है वो फिर से मेरे हाथों मारा गया. और इसी के साथ मेरा सेकंड वाला पावर भी अनलॉक हो गया. यहाँ पे दो पावर था, ग्रेसी ग्लाइड और चॉप किक. तो मैंने चॉप किक चूज़ किया इस गेम के लिए. और सोचो क्या भाई साहब, इसका सेकंड पावर तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा है मुझे. इसका सेकंड पावर जो है वो पहला वो तो एनिमी को स्लो कर देता है और दूसरा उसे डैमेज भी देता है. भाई ये बहुत ही कमाल का पावर है. अगर आपको मेरी गेम प्ले अच्छी लग रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो. वहाँ पर मैं डेली बेसिस में रील्स डालती हूँ. और अगर आप चाहो तो मुझे डिस्कॉर्ड पे भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ. इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड दोनों का ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन ज़रूर कर लेना. तो यहाँ पर तो मैं फाइट में गई थी, लेकिन मेरा दोस्त कोई भी मुझे हेल्प करने नहीं आया. और जब मैं वहाँ से भाग रही थी तो मैंने देखा कि मेरा दोस्त रोटम मार रहा है. तो मुझे तो पता था यहाँ पे कोई ना कोई आएगा रोटम को लेने के लिए ओपोनेंट से. तो मैं यहाँ पे छुपी रही और मौका देख के उसका हेल्थ लो कर दिया और मेरे दोस्त ने उसे मार दिया. तो फिर यहाँ पे हमारी टीम रोटम को मारने ही वाला था, फिर यहाँ पे टपक पड़ा ज़रावरा. लेकिन यहाँ पे 3v1 था तो हम लोगों ने उसे इजीली मार दिया. और अब बारी था गोल करने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा गोल नहीं हो पाया क्योंकि चावल हो गया था डिस्ट्रॉय. और अब देखो यहाँ पे एक ज़बरदस्त फाइट होने वाला है, लेकिन ये फाइट यहाँ पे नहीं होगा. यहाँ पे मैं और मेरे दोस्त ने एक ट्रिक की. अगर हम उस पॉइंट में ओपोनेंट से फाइट लेते तो जाहिर सी बात है कि वो लोग का हेल्थ थोड़ी सी कम होता और वो लोग अपने बेस में चला जाता और हेल्थ फिर से फुल हो जाता. लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने उन लोगों को अपने बेस की तरफ लाया और फिर फाइट लिया. तो यहाँ पे हमारा एडवांटेज ज़्यादा था. तो देखो यहाँ पे क्या होता है. यहाँ पे इन लोगों का हेल्थ बहुत ही कम हो चुका था और यहाँ पे मैं इस क्रिस्टाइल के ऊपर अल्टीमेट चलाया और यहाँ पे मेरा किल स्ट्राइक हो गया 3. और अगर मैं वहीं पे अटैक करती तो मेरा किल स्ट्राइक शायद 1 भी नहीं होता. तो मैंने ये 3 किल स्ट्राइक वाला शॉट जब डाला था तो एक बंदे ने मुझे कमेंट किया था कि मैं क्यों क्रिस्टाइल के ऊपर अल्टीमेट चलाया जो कि नियरली 1 HP था. तो इसका आंसर ये है कि क्रिस्टाइल एक डिफेंडर है और अगर मैं डिफेंडर को नहीं मारता तो वो मुझे इसकी
जो बाकी का टीममेट है उस तक पहुंचने ही नहीं देता। इसलिए मैंने क्रोकोडाइल पे अल्टीमेट चलाया और इसी के वजह से मेरा वहाँ पे 3 किल स्ट्राइक हुआ। तो चलो उसको छोड़ो, अब यहाँ पे देखो ये जेसीबी वाले ने क्या किया, मेरा 3 के 3 कील इसने चोरी कर ली। तो चलो ठीक है, गेम में तो ये सब होता ही रहता है, लेकिन इसको मैं बाद में देख लूँगी। तो यहाँ पे मेरी HP थोड़ी लो होने की वजह से मैं फाइट में नहीं गई और मैं बेस में लौट के आ गई और मेरा HP फुल किया 2 बेरीज खा के। फिर मैं गई फिर से फाइट लेने, लेकिन तब तक फाइट ख़त्म हो चुका था और मेरा ये दोस्त, ये जो नालायक दोस्त है मेरा, वो फिर से रोटम को अटैक किया, जबकि उसको ये पता था कि वहाँ से कोई आने वाला है ओपोनेंट टीम का और वो लोग रोटम को लेने की कोशिश करेगा। और हुआ भी कुछ यूँ ही, जब मैं क्रोकोडाइल से निपट रही थी उसी के बीच किसी ने हम लोगों की टीम का ड्रैगोनाइट को मार दिया और उसी के साथ रोटम को भी उठा लिया। तो उसके बाद जब मैं यहाँ पे रोटम को रोकने की कोशिश कर रही थी तब ओपोनेंट ने हम लोगों की बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया और उसी के साथ मैं भी मार दी। पोकेमोन निकला। सरीना का जो पहला पावर है वो गार्ड चम की जैसा है, उसका दूसरा पावर तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि किसके तरह है कि नहीं, लेकिन इसका तीसरा जो यूनाइट मूव है इसका, वो तो बिल्कुल एकदम चैरिजार्ड के जैसा है। तो अगर आपको मेरी वॉइस वाली वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मुझे क्या क्या और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए इस वीडियो में। तो यहाँ पर मैं गोल करने जा रही थी और यहाँ पे देखो क्या हुआ, 4-4 पोकेमॉन ओपोनेंट टीम का यहाँ पे आ गया। इतना गेम खेल के मैंने ये एक बात नोटिस की है कि मैं जब भी किसी भी लेन में मैं जाती हूँ, टॉप या बॉटम, कोई ना कोई पोकेमॉन तो वहाँ पे आ ही जाता है। यहाँ पे तो 3 आ गया और कोई भी मुझे शांति से गोल नहीं करने देता। तो यहाँ पे मेरी फाइट चल रही थी क्रोकोडाइल और ज़रावगा के साथ, और जो फाइट मैं हार गई और मर गई। और फिर रिस्पॉन होने के बाद मैं थोड़ी फार्म करने गई, क्योंकि फार्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका फार्म ज़्यादा नहीं है, आपका लेवल ज़्यादा नहीं है, तो आप फाइट में कभी नहीं जीत पाएंगे। तो यही करते करते गेम का आखिरी 2 मिनट आ गया और यहाँ पे मेरे सामना हुआ क्रोकोडाइल से, और इसको तो मैं इस बार छोड़ने नहीं वाली थी क्योंकि आखिरी बार ये मुझे मार दिया था। तो इसको मैंने यहाँ पे ख़त्म किया और गेंगार का हेल्थ मैंने ऑलमोस्ट 1 HP कर दिया था। और फिर सोचो क्या, जेसीडीआई ने फिर से मेरा एक किल चुरा लिया। और फिर मैं थोड़ा बॉल्स कलेक्ट किया और चला गोल करने के लिए, क्योंकि इस टाइम गेम के आखिरी 2 मिनट में गोल्स डबल हो जाते हैं और इसीलिए ये 2 मिनट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस 2 मिनट में आप गेम जीत भी सकते हो और हार भी सकते हो। यहाँ पे मुझसे फाइट लेने आ गए लुकारियो और मैं इससे फाइट ले ही रहा था, तभी मैंने देखा कि मेरे दोस्त ने जैपडॉस को मार दिया और मैं उसका फ़ायदा उठाया और पहले गोल किया वो भी 100। फिर मैं इसके साथ फिर से फाइट लेने गई और इसको मार भी दिया। और इसके बाद मैं फिर से गोल करने ही जा रही थी और यहाँ पे टपक पड़ा बिन बुलाए मेहमान ज़रावगा, लेकिन इस बार भी मैंने फाइट बाद में लिया, पहले गोल किया। और जब मैं गोल करने के बाद फाइट लेने गई तब मेरे टीममेट्स ने ऑलरेडी ज़रावगा को मार दिया था। कोई भी गेम में ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका किल सबसे ज़्यादा हुआ या नहीं, इम्पॉर्टेंट ये है कि अल्टीमेटली आप गेम जीतते हो या गेम हार जाते हो। अगर आपका किल 20 हो गया और फिर भी आप गेम हार गए तो उसका क्या फ़ायदा बोलो। तो इसीलिए इस गेम के गोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसी के साथ हम लोग आ गए गेम के आखिरी 20 सेकंड में और जाते जाते मैंने फिर से 2 किल निकाल लिया। तो चलिए अब मिलते हैं एकदम गेम ख़त्म होने के बाद। तो यहाँ पे हमारा टीम 171 गोल्स के साथ गेम जीत गया है और मेरा किल है 14 और असिस्ट है 10। मेरे सभी टीममेट्स ने बहुत अच्छा खेला और अगर बात किया जाए सरीना की तो ये बहुत ही ओपी कैरेक्टर है। इसका जो पावर्स है वो सारे पोकेमॉन के पावर्स को मिक्स एंड मैच करके बनाया गया है, ये कोई मिथ नहीं है, ये एकदम रियल है। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। Thanks, don't forget to subscribe and press the bell icon to all. And also, thanks for watching. Bye-bye.